एग्जिट पोल में फिर से एनडीए की सरकार बनने का अनुमान है। सर्वे में एनडीए को 294 तो यूपीए को मिल रही 110 सीटें। एग्जिट पोल का फाइनल आंकड़ा देखें तो मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से बीजेपी को 22 सीटें मिल रही हैं, तो वहीं कांग्रेस को 7 सीटें मिल रही हैं। एक बार फिर बन सकती है मोदी सरकार। एनडीए को 277, यूपीए को 130 और अन्य के हिस्से 135 सीटें। 21 मई को एनडीए की हो सकती है बैठक। जीतने वाले नेताओं को बुलाया जा सकता है दिल्ली। संघ प्रमुख मोहन भागवत से आज मिल सकते हैं पीएम मोदी। कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। 23 मई को चुनाव के नतीजे से पहले होने वाली मुलाकात काफी अहम है। चुनाव आयोग ने खुलासा किया है कि लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान पेड न्यूज के 647 मामले। आज मायावती राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकती हैं। चुनाव खत्म होने के बाद ही राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा और कहा है मोदी और उनके गैंग के समक्ष समर्पण जाहिर है। राहुल ने पीएम मोदी के उत्तराखंड के केदारनाथ की यात्रा समेत कई उदाहरण गिनवाए हैं और चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। सुशील मोदी के मानहानि मामले में कोर्ट में आज व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे राहुल गांधी। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने राहुल गांधी की एक जनसभा में की गई टिप्पणी पर आपत्ति जताई थी। सभी चोरों का उपनाम मोदी ही होता है। महाराष्ट्र में रैली के दौरान राहुल गांधी ने सवाल किया था, लेकिन मुझे एक बात बताएं, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, सभी के नाम के पीछे मोदी कैसे है। लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरणों में मतदान 11 अप्रैल को 19 मई तक चला है। परिणामों की घोषणा 23 मई को होगी। पी चिदम्बरम ने आयोग पर निशाना साधते हुए कहा है कि चुनाव आयोग ने अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों को पूरी तरह से समर्पण कर दिया है। ममता बैनर्जी, उमर अब्दुल्ला, कैप्टन अमरिंदर ने एग्जिट पोल्स को किया खारिज। ये सिर्फ ईवीएम में गड़बड़ी या बदलने का गेम प्लान है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बैनर्जी ने एग्जिट पोल को अटकलबाजी बताया है। ममता बैनर्जी ने कहा है कि उन्हें ऐसे सर्वेक्षणों पर भरोसा नहीं है। बंगाल चुनाव में हिंसा पर चुनाव आयोग ने नजर रखी है। राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने पीडीपी कार्यकर्ता को गोली मारी। अधिकारी ने बताया कि जमाल को नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों की टीम इलाज में जुटी हुई है। घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। सीएम केजरीवाल को लगेगा तगड़ा झटका। लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट पर सिमट जाएगी आम आदमी पार्टी। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मतदान के बीच पंजाब सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और चंडीगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार पवन बंसल ने अपना वोट डाला। काला हिरन केस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने सोनाली बेंद्रे, सैफ अली खान और तब्बू को भेजा नोटिस। पंजाब के जालंधर में हरभजन सिंह ने किया मतदान। बिहार के पटना में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मतदान किया। अंतिम चरण की वोटिंग के बीच टीएमसी ने पीएम मोदी की केदारनाथ यात्रा की शिकायत चुनाव आयोग से की। बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो के खिलाफ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। साध्वी प्रज्ञा पर नीतीश कुमार ने बोला हमला, कहा यह बीजेपी का आंतरिक मुद्दा है और पर बयान निंदनीय है। बिहार में तेज प्रताप यादव के सुरक्षाकर्मियों ने किया मीडियाकर्मियों पर हमला। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण खत्म होते ही ईवीएम में बंद हो जाएंगी दिग्गजों की किस्मत। अंतिम चरण में भी पश्चिम बंगाल में हिंसा। बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं पर एक दूसरे ने लगाया आरोप। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में विस्फोट। सादिकाबाद क्षेत्र में पंजाब बैंक में हुए धमाके में 20 लोग घायल हो गए। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जरदारी को भ्रष्टाचार के 6 मामलों में मिली अंतरिम जमानत। यूरेनियम और भारी जल के उत्पादन को बढ़ाएगा ईरान। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी जानकारी। परमाणु विस्फोटकों की निगरानी में शामिल होगा भारत। सीटीबीटीओ के पर्यवेक्षक बनने की पेशकश।
मानव अधिकार उल्लंघन को लेकर अमेरिका ने 5 रूसी नागरिकों पर लगाया प्रतिबंध। ये प्रतिबंध अमेरिका ने रूस में विपक्ष के नेता की हत्या समेत उत्पीड़न के मामलों को लेकर लगाया है। सोमवार को शेयर बाजार में भारी उछाल देखा गया। सेंसेक्स में 750 से ज्यादा अंक की बढ़त देखी गई। केंद्र में स्थिर सरकार बनाने की संभावना को देख शेयर बाजार इसकी खुशी मनाएगा। बीजेपी के पूर्ण बहुमत पाने की संभावना से बाजार में उत्साह और बढ़ा। अमिताभ बच्चन ने कर दिया ऐलान, लखनऊ में होगी गुलाबों सिताबों की टक्कर। अर्जुन कपूर ने मलाइका अरोड़ा से शादी को लेकर दिया है बयान, कहा कि जब भी शादी करूंगा, अगर करूंगा तो सबको बताकर करूंगा, ये कोई छुपाने वाली चीज नहीं है। कांस फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन भी बॉलीवुड सेलेब का जलवा कायम रहा। प्रियंका चोपड़ा ने पति निक जोनस के साथ शेयर की तस्वीरें। दिनेश विजन और कुणाल देशमुख की फिल्म शिद्दत में नजर आएंगे सनी कौशल, डायना पेंटी और मोहित राणा। शाहिद कपूर ने सिंगापुर में मैडम तुसाद में लगे अपने वैक्स स्टैच्यू से उठाया पर्दा। नाना पाटेकर को मीटू मामले में पुलिस ने क्लीन चिट देने की खबर पर तनुश्री दत्ता ने झूठा बताया। तनुश्री दत्ता ने कहा है कि नाना को क्लीन चिट मिलने की बात सरासर गलत है। संजय लीला भंसाली की फिल्म मलाल के फर्स्ट लुक पोस्टर में नजर आई शर्मिन सहगल। कांस फिल्म फेस्टिवल में हिना खान ने लॉन्च किया अपनी डेब्यू फिल्म लाइंस का फर्स्ट लुक पोस्टर। कपिल शर्मा भारत के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। उनका कारनामा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में शामिल हुआ। अर्जुन कपूर की फिल्म इंडियाज मोस्ट वांटेड का टीजर लीक हुआ है। सेंसर बोर्ड ने कुछ सीन्स पर जताई आपत्ति। वेब सीरीज लीला का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। नए अवतार में दिखेंगे गैंग्स ऑफ वासेपुर की फेम हुमा कुरैशी। अजय देवगन की फिल्म मिली की धमाकेदार ओपनिंग। फिल्म ने पहले दिन ही करीब 9 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। ब्रेकिंग।